भाई ये बैट आपको देखने में हल्का लग रहा होगा लेकिन ये बहुत भारी बैट है। बहुत सीन हो गया हमारे साथ, अभी पूरा व्लॉग बनाया है लेकिन वो व्लॉग 2x में बनाया है। कम 1.5 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, तू भी कर दियो ठीक है। गाइस मैंने एक भाई ढूंढ लिया, अभी हमारा व्लॉग हमारा बच्चा निक्कू द डिस्ट्रॉयर नंबर 1 बैट्समैन। 54 रन गाइस अकेले मार दिए मैंने। हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होगे, फिट एंड फाइन। सो गाइस देख रहे हो मौसम देखो कितना जबरदस्त हो रहा है। ओए होए होए होए, बस ऐसे ही मौसम रहना तो बस जिंदगी मजेदार है हमेशा के लिए, लेकिन रहता नहीं है ना यार। बस अभी भी देख लो बस खत्म होने वाला है मौसम, 6:30 हो गए। सो गाइस लास्ट व्लॉग को गाइस आप लोगों ने इतना प्यार दिया यार, इतना मजा आ गया गाइस लास्ट व्लॉग में देख के ना, आप लोग जिस तरीके से देख रहे थे। तो भाई ऐसे ही शेयर भी करो वीडियोस को, व्लॉग्स को, तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूंगा मैं आप लोगों के लिए और एंटरटेन करता ही रहूंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके भी बताया करो किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बस कर दो। सो गाइस फिलहाल ना अभी डिनर का टाइम हो चुका है और आप सोच रहे हो इतनी जल्दी, क्योंकि यार देखो अभी अभी व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने 7:30 बजे, मतलब 7 बजे व्लॉग स्टार्ट किया था। तो देखो डिनर के अंदर ना मम्मी ने देखो क्या बनाया, नवरात्रि चल रहे हैं, मम्मी ने बनाया है आलू मटर कीमा। आप सोचोगे है कीमा नवरात्रों में कीमा, तो भाई ये वेज कीमा है, सोया चंग से बनता है ये, ठीक है ना। तो ये मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है वेज कीमा, और इतनी टेस्टी सब्जी होती है ना गाइस, ये बस मजा आ जाता है खाने के अंदर। काश मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता पाता, लेकिन एक बार मैं खुद एक बार टेस्ट रिव्यू करके देख लूं जो जेन्युइन होगा। अगर नमक तेज होगा ना मम्मी बता दूंगा गाइस को। एक सेकंड आ रहा हूं ना पूरा गाइस। ओहो गाइस बिल्कुल परफेक्ट है मम्मी, सब कुछ परफेक्ट है गाइस, इतना टेस्टी वेज खाना देख लो आप, इतना मस्त आ रहा है, मजा आ गया। मम्मी को यार शेफ बनाना पड़ेगा, मम्मी का ना कुकिंग चैनल खुलवाऊंगा पहले, मेरा आप मेरे चैनल को आप रीच दे दो बहुत बढ़िया भाई, उसके बाद मम्मी का कुकिंग चैनल खुलवाऊंगा, मम्मी को शेफ बनवाऊंगा बहुत बढ़िया वाला। बाकी फाइबर खाने के बाद फाइबर होनी चाहिए बहुत जरूरी, ठीक है ना। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने मामा के घर पर, मामा के घर पर पता हम क्या लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं देखो ये कैरम बोर्ड, देखो गाइस कितना बड़ा कैरम बोर्ड है ना, तो वहाँ पर चल के खेलेंगे, वहाँ पे रोहन वोहन भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर ना यार ये बहुत सालों से पड़ा हुआ था तो उसको वहीं पर लेके चलते हैं, वहाँ पर कम से कम हम खेल तो लेंगे ना इसको। और ना गाइस कल क्रिकेट खेलने भी जाना है, वहाँ पे बॉल्स भी लेंगे, बॉल का डब्बा लेने भी चलेंगे, मैंने सुना सदर के अंदर बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं तो वहाँ से लेने चलेंगे बॉल के डिब्बे, ठीक है ना। आ गया चलो यार, और आपको दिखाऊंगा गाइस कैरम के अंदर मैं कितना ज्यादा परफेक्ट हूँ, एक बारी के अंदर सारी गीटियां फिनिश, एक बोर्ड के अंदर गेम खत्म करता हूँ मैं भाई। गीटियां भी ले और क्या, पूरे सामान, और इसको बिल्कुल कैरम बोर्ड खेलना नहीं आता गाइस। पता है अभी दिखा देंगे, देख लेंगे चलो चल लेके तो चल इसको चल, तो नहीं अच्छा फिर नीचे तक तू लेके जाएगा अकेला, देख रहे हो गाइस चलता है बहुत ज्यादा। देखो गाइस कैसे रख रखा है हमने, ये क्रिकेट का सामान यहाँ पे आगे रख रखा है और ये सुजल पीछे है, दिख नहीं रहा सुजल है गाइस। अभी बहुत सीन हो गया हमारे साथ, अभी पूरा व्लॉग बनाया है लेकिन वो व्लॉग 2x में बनाया है, चकल दी है चार, इसका इसकी आंखें दिख रही होगी मेरे थोड़े थोड़े से, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस मैं हम ये बात करते थे कि हम एशिया की सबसे तगड़ी होलसेल मार्केट के अंदर आया है सदर बाजार, सिर्फ अपनी बोल लेने, सिर्फ बड़ी भी लेने, बड़ी भी है और बैट भी लेने, बैट भी लेने। और ये बंदा गाइस वही है जो व्लॉग्स में नहीं आ रहा था, ठस्सा कर रहा था मैं भाई, इसको भूली भटियारी, भूली भटियारी 2 की जो कब से बोल रहा हूँ जो नहीं कर रहा था, झूठ भाई कहते ही झूठ, ये ब्लॉगर आपका भाई बेकार बंदा है भाई, ये देख लो ये आपको सपोर्टिव नहीं करता गाइस भाई, इनको क्या कह के थक जाओ, ये अपना आलस छोड़ेंगे ना जिस दिन, उस दिन मैं क्या बोलूंगा तू है तुम हो भाई, उबे मैं उस दिन क्या कह के थक गया, इनके अनीति हो गई भाई, क्या कह के थक गया इनके अनीति हो गई भाई, भाई चलो यार अगर देखो छोड़ो सारा अनीति हो गई, आज भी जा सकते हैं हम पर आज भी नहीं जाएंगे, चलो आज चलते हैं अगला व्लॉग भूली भटियारी 2 व्लॉग अगला, ठीक है चलो अगला, ठीक है देख ले, देख मैं तो देख लूंगा भाई। बहुत तगड़ा प्लास्टिक का बैट दिखाओ जरा, वही चीज है लेकिन हल्का है थोड़ा, हल्का देख देख, हल्का सा हल्का है, हल्का सा हल्का हल्का सा हल्का लग रहा है, थोड़ा सा भारी सा देखो, अरे निकलने में ठीक लग रहा है, हल्का नहीं है, जब पड़ेगा ना शॉट बढ़िया जाएगा इस पे से, हां वैसे सही है,
है। नहीं यार ऐसे पकड़ने तो भारी लग रहा है ना, ऐसे पकड़ने तो सही भारी लग रहा है, बढ़िया है गाइस। ओ चाचा, तो गाइस ये बैट आपको देखने में हल्का लग रहा होगा लेकिन ये बहुत भारी बैट है, ये वाला ले लिया हम, जो हमारे पास लकड़ी वाला है ना उससे भी भारी बैट है गाइस। ये पता ही नहीं, अब नहीं पता कि मेरे सामने जो भी आ गया ना, वैसे नहीं बोल रहा पर बहुत बुरा मारूंगा, बाकी कल देख लेना यार, बाकी कल देख लेना। सिखाना पड़ेगा कि बड़े ब्लॉगर ना बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, इससे पहले वाले संडे पर ना मम्मी की कसम भाई इतना मारा है, शुक्र है नहीं था इतना हमारा है, शुक्र है नहीं था, किनको फर्क नहीं पड़ रहा तो यार, तो ऐसे ले जाए, अरे फर्क नहीं पड़ रहा ऐसे ले जाओ भाई, तू ही करियो ऐसे काम, तुम नहीं मेरे ब्लॉग में गलत चीज ब्लॉग में देखते पलट जाता है हमारा, तो हमारा कैरम बोर्ड यार है, ओए हमारा से अच्छा है। सो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं अपना क्रिकेट खेलने, और हमारी टीम भी पहुंच चुकी है, जो हमारी रिलेटिव टीम है जिसको हम रिलेटिव टीम कहते हैं, ठीक है आज क्रिकेट दिखाने की कोशिश करूंगा, कहीं तो फिर कुछ और दिखाएंगे। सो गाइस आ चुकी है अपनी पूरी टीम और खेलने से ज्यादा यहां पे मैच चलती है, सारे पारक मारते हैं वो बाउंड्री मान लो। अच्छा जी गाइस ये जो बैट है ना अभी इस बैट से खेल के देखा है, मतलब हिट करते ही इतना लंबा छक्का जा रहा है ना, बढ़िया लग रहा है पार्क, ऐसा लग रहा है ग्राउंड है, मैं भी बढ़िया लग रहा हूँ ना, पीछे का बैकग्राउंड बढ़िया लग रहा है, मैं भी बढ़िया लग रहा हूँ, देखो गाइस बढ़िया लग रहा है, देखो पूरी लुक लगता है ये, आए देखियो एक बार पकड़ियो पूरा दिखा देता हूँ, नाड़ा भी दिखा दो क्या, आए आए लग रहा ना गाइस पूरा स्पोर्ट्समैन, आए आतिम भाई, आए सुजल, आए पार्थ, आए गिल्ली दूर जाए, और ये हमारे विपिन मामा जी, कैसे हो आप, ट्रिप के बाद कैसा लगा, थोड़ा तेज बोलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ, और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, तेरे अच्छा। अभी गाइस अभी एनर्जी नहीं है इनके अंदर, कम से कम 1.5 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, तू भी कर दियो ठीक है गाइस, मैंने एक भाई ढूंढ लिया, अभी हमारा ब्लॉग बनाएगा क्रिकेट का और हमारे साथ खेलेगा भी, मैं बोल रहा हूँ जरा भाई जरा पटरी पे चलने लोगों के सामने, हाँ भाई पटरी पे आ जा भाई, इसका कॉल माना जाएगा, हाँ और चीटिंग बहुत करता है देख लेना गाइस, टॉस में क्या चीटिंग यार, हेड टेल भी में भी कर देता है ना, चलेगा 5 का है 10 का है भाई, जूम कर दिए एकदम, 5 का है 10 का है 5 का है चलना चल ले टेल बैटिंग भाई, हेड देखो जूम कर दे, आओ जी बैटिंग करते हैं स्टार्टिंग से ही, क्या करे यार मामा, क्या करे हम बॉलिंग कर रहे हैं, काम करते हैं, हाँ बैटिंग कर लो, बैटिंग भाई बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग करो तुम्हारी टीम में भाई, ये है भाई कैमरामैन, पहला क्लासिक शॉट हो गया है जो कि आप लोगों ने देखा है सुजल की बॉल पे स्ट्रेट ड्राइव का चौका, दिखा दिया दिखा दिया, देख रहे भाई टप्पा पड़ गया, सुजल सुजल का बॉलर बनाएंगे, सुजल सुजल गाइस सुजल का बॉलर बनाएंगे आज, क्योंकि इनको कीपर को देखने में ज्यादा अच्छा लगता है बैट्समैन की शॉट, ये हमारी टीम वाले बेकार गाइस, स्कोर है 1 ओवर 17 और अब आ गया मेरे डैडी जी बॉलिंग करने, डैडी को दिखाओ, गाइस मामा एक चौका मार के आउट हो गए, कहाँ गए, और ये बिना चौका मारे और विपिन मामा बिना चौका मारे, डैडी ने 2 बंदों को आउट कर दिया, मैं स्ट्राइक पे नहीं हूँ वरना ये नौबत नहीं आती है ना डैडी गाइस, चलो
अब मैं एंड में बताता हूँ कितना स्कोर हुआ। सो गाइस अभी 3 ओवर के अंदर 37 रन बना दिए कुछ मैंने, और अब देखते हैं ये लोग बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और मैच लगा है हमारा 50 रुपए ताकि जीतने के बाद पेप्सी आ जाए बस। बहुत तगड़ा मैच जीत रहे हैं, बताओ कैसा मैच जीते हैं? बहुत जबरदस्त, 10 गोल पहले ही जीते। तारीफ तो कर दो। ये हमारा बच्चा निक्कू द डिस्ट्रॉयर, ये हमारा बच्चा निक्कू द डिस्ट्रॉयर नंबर 1 बैट्समैन। 54 रन गाइस अकेले मार दिए मैंने। और ये सुजल, सुजल छुपता फिर रहा है तो भाई वो जीता कौन? 50 तो नहीं हुई ना, बांट ले यार, घर चले गया। So फाइनली घर पे वापस आ चुके हैं यार, और आई जिस छोटा सा भी हमारे साथ गया था हाँ। क्रिकेट खेलने हाँ। कैसा लगा आज? और इतने ऊंचे ऊंचे छक्के मारे कि इसमें से एक में तो गोल ही खो गई। किसने मारा था वो छक्का? मैं लौंडे भाई ने कह रहा, हमारे लौंडे भाई ने तू ही मारेगा ना जब बड़वाएगा ऐसे लंबे लंबे छक्के, उससे भी लंबे लंबे है ना। तो भाई ये भी देख के कह रहा था कि भाई मैं भी मारूंगा आपकी तरह से लंबे लंबे, है ना। भाई एक शॉट गया कि ये एक ऐसा शॉट गया कि खो ही गई, बोली खो गई है ना, बोली खो दी। हां अगली बार तू भी खो दियो बोल, है ना, लंबा छक्का मार दियो तू भी मेरी तरह। हां है ना, वैसे मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बॉल है पर एक पता नहीं इतनी गंदी है, बदबूदार। So guys, बहुत अच्छा मैच हुआ, लगभग 6-7 मैच खेले सुबह से लेके 4 बजे तक खेले हम शाम को, और बस मैं एक ही मैच हार रहा हूँ, जिस भी टीम में गए सारे मैच जीते, सारे मजा आ गया गाइस। और बहुत बढ़िया दिन गया। और अभी फिलहाल दिखाता हूँ, पहले तो यार मैं नहा के आता हूँ, उसके बाद ना हमारा गेम जोन बना लिया हमने, हम कैरम वगैरह लिया है। देखो गाइस यहाँ पर हमारा ये गेम जोन बन चुका है, हमारे पास चेस भी है, हमारे पास लूडो भी है, और हमारे पास कैरम भी है। ये देखो लूडो, सांप सीढ़ी दिखाओ, ये सांप सीढ़ी, और चेस कहाँ गई? 99 वाला सांप और डेंजर हो गया, 4 पे आया वो भाई, वो पहले तो 10 पे लाता था, वो मुंह बड़ा हो गया, ज्यादा मुंह बड़ा हो गया 99 वाला। और गाइस देखो यहाँ पर बहुत तगड़ा मैच चल रहा है, कितने कितने का सेट चल रहा है, अरे कितने का सेट चल रहा है? 2000 भाई साहब, 2000 रुपए का सेट चल रहा है इस टाइम पर यहाँ पर। और क्रिकेट मैन मामा मामा भांजे की टीम सारे मैच जीतते हुए, और डैडी हारे आज, डैडी हारे हैं, और मौसा जी जीत रहे हैं हमारी टीम में, तो इसलिए है ना, बहुत बढ़िया। किसी और इधर होती ना लाल। सो गाइस पहले ना यार सबसे पहले नहा लेते हैं, नहाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और ये फुदकना मेरे जैसे मैं कैमरा खोलता हूँ मेरे पीछे पीछे भागता रहेगा, है ना, है ना। कैसी हालत हो गई यार, कितनी बुरी हालत हो गई, फटाफट से नहा के आते हैं गाइस। सो गाइस मैं तो नहा धो के आ चुका हूँ यार, और ना अब नहाने के बाद तो यार फ्रेशनेस तो अलग फील होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं कब बैक में पेन और मतलब बॉडी में पेन हो रहा है भाई इतना ज्यादा खेलने के बाद ना। और गाइस सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जो हम सदर बाजार गए थे ना, तो भाई सदर जाना हमारा सक्सेसफुल हो चुका है यार, ज्यादा शोर कर रहे हैं लोग वहाँ पे अंदर, खेल रहे हैं तो बहुत चीटिंग करते हैं भाई, हमारे यहाँ चीटिंग बहुत होती है। तो हाँ मैं आपको कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ हमारा सदर जाना, क्योंकि हमको जो है जो बॉल का डब्बा है वो हमको सिर्फ और सिर्फ 320 रुपये का मिला, ठीक है। और एक बैट जो हम लाए हैं वो उतना बढ़िया प्लास्टिक वाला बैट, वो हमको 400 रुपये का मिला, जो कि हमारे शास्त्री नगर के अंदर 800 रुपये का मिलता है, सीधा 400 रुपये का डिफरेंस भाई, इतना मज़ा है ना। तो भाई सदर बाजार जाके शॉपिंग कर लो, अगर ऐसा कुछ सामान लेना है तो आप लोग भी सदर बाजार से जाके लिया करो, बहुत ज्यादा, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप ज्यादा, जैसे ये नहीं एक बॉल नहीं मिलेगी वहां पर, या तो पूरा डब्बा ही लेना पड़ेगा, और बैट वैट तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सक्सेसफुल हुआ गाइस वहां पर जाना, और ना वहां से हमने चेस भी ली, जो चेस हमको क्या कहते हैं यहाँ पर 1200 रुपये की है ना, उस सदर के अंदर हमको 550-600 रुपये की पड़ी है, इतनी मस्त चेस पड़ी है। और लूडो भी हमको सस्ता ही पड़ा है वहाँ पर, लूडो भी लिया हमने वहाँ से। सो गाइस मज़ा आ गया, सदर बाजार बेस्ट। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, होप करता हूँ गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो गाइस प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।